नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव अखमेलपुर के मजरा गड़िया के दबंग ने सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदी। सब्जी के पैसे मांगने पर दबंग ने सब्जी विक्रेता को लात घूस व डंडों से जमकर पिटाई की, जिससे सब्जी विक्रेता घायल हो गया। घायल को CHC कमालगंज में भर्ती कराया। घायल सब्जी विक्रेता की गंभीर हालत को देखते हुए CHC कमालगंज ने जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया फरुखाबाद रेफर कर दिया। जो एक पेशेंट आया है, कहाँ से आया है, किसके द्वारा लाया गया? ये थाना कमालगंज के द्वारा लाया गया है और गांव अकबेलपुर का है, जिसको किसी ने मारा है। ऐसी उसकी शिकायत है, उसको चोटें आई हुई हैं। एक चोट है उसके सीने पे, जिसके लिए उसको जिला अस्पताल लोहिया के लिए भेजा गया। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश। कहाँ, कौन सा गाँव? अकबेलपुर जी। आपके भाई से मारपीट हुई है, किस बात पर लगी हुई है? जी सब्जी को भाई भाई क्या कहते सब्जी इन्हें तौल दी, इन्हें पैसा मांगे बने पैसा दे ना, इन्हें पैसा का नहीं दियो, वो इतने फिर को बने टिटुआ पकड़ लो और फिर की करवा दी, इन्हें गिराई बहुत ही मारो। किस चीज़ से मारा? लाठी से मारो समझो, लाठी से मारा। और का कई लोग थे, कई दबंग थे? हाँ थे एक भैया, वो नहीं बोलो, वो बचाओती रहो, जाने मारो बंथी वाले। हाँ थाने में शिकायत करी? थाने में गए, चौकी पर गए, चौकी वाले ने कही कि थाने जाओ, और थाने वाले ने भी पठाओ साहब। फिर पुलिस पहुंची वहाँ? अब भाई नहीं साहब पहुंची। अब घटना कई बजे गए? घटना ठीक चार बजे, ठीक चार बजे गए। बच गए रहे? अब साहब कितने छः बजे रहे? छः बजे, एक घंटा हुई है। हाँ चले। क्या नाम है आपका? राम शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? अखमेलपुर। किस बात लेके आपके संग मारपीट हुई है? सब्जी दुकान लगाए थे, सोच वाले मारो पैसा नहीं दे तो। किस बात के पैसा मांगे थे आपने? तो मैंने सब्जी नहीं दी, पैसा नहीं दी, सब्जी नहीं दी तो मैंने सब्जी फेंक कर दे ला तुम्हारे बड़े आई। अच्छा, तो पैसा नहीं दिए हैं? हाँ। तो आपने उसे सब्जी दे दी थी? तो मारने वाले कई लोग थे? अरे तो दोनों भैया आते, लेकिन मारो एक ही, मारो एक ने, बचाओ दिलो बेचारो। किस चीज़ से मारा? डंडा, डंडे से मारा। थाने में शिकायत करी आपने? हाँ। पुलिस पहुँची? तो कई घंटा हो गया झगड़ा? चार बजे भाई ठीक। पुलिस अभी भी नहीं पहुंची है? अब भाई कहाँ, हमें तो है नहीं कहा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।